नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, जैसे कि आपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन से किसी भी बंदे से इंग्लिश में बातें कैसे कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। दोस्तों, बन रही ये वीडियो के एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप जिस भी बंदे से इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, चाहे आपका वो गर्लफ्रेंड ही हो चाहे कोई भी हो, आप इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, तो फ्रेंड जैसे कि मैं जिससे बातें करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि मैं इस बंदे को क्लिक कर लिया हूँ, तो फ्रेंड उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मैसेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से मैसेज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया इस पर आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, फ्रेंड जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप क्या कर रहे हो, तो फ्रेंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप क्या कर रहे हो रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि लिखा आप क्या कर रहे हो, तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है। तो फ्रेंड्स, इसी को मैं इंग्लिश में मतलब कैसे लिखूँगा, सबसे पहले आपको इंग्लिश में लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ये जो तीर का ऑप्शन दिया है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स वो इंग्लिश में हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन जो है इंग्लिश में हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये जो तीर का ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस बंदे को इंग्लिश में मैसेज चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उस बंदे को इंग्लिश में मैसेज चला गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।